और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी शिक्षक प्रकोष्ठ का पौधारोपण अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी शिक्षक प्रकोष्ठ का पौधारोपण अभियान आज से प्रदेश भर में चलाया जाएगा। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी जिलों में पौधारोपण होगा। शिक्षकों के माध्यम से 75 वृक्ष रोपने की योजना बनाई गई है। आगामी 2 साल तक देखभाल करने की भी योजना है, यानी कि पौधारोपण से लेकर उन पौधों की देखभाल करने की योजना बनाई गई है। 75 वृक्ष रोपे जाएंगे। शिक्षकों के माध्यम से बीजेपी ने अभियान चलाया है। पौधारोपण अभियान आज से शुरू हो रहा है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी जिलों में पौधारोपण होगा। और किस तरह से पूरी प्रक्रिया होगी, जानकारी लेंगे। संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक, बीजेपी शिक्षक प्रकोष्ठ का पौधारोपण अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। खास बात यह है कि अभियान देखभाल करने की योजना भी इस अभियान में बनाई गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी इस अभियान को लेकर? बिल्कुल ऋतु, बात की जाए मध्य प्रदेश बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी का जो शिक्षक प्रकोष्ठ है उनके द्वारा जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है वो आज से पूरे मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। यदि इस वृक्षारोपण कार्यक्रम की बात की जाए तो आज के दिन यानी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा, हर जिले में किया जाएगा। शिक्षक प्रकोष्ठ के जो लोग हैं वो लगभग एक जिले की यदि बात की जाए तो एक जिले में करीब 75 जो वृक्षारोपण है वो करना है, यानी 75 पौधे लगाने हैं। अब देखने वाली बात ये है कि और पौधे लगाने के बाद उन पौधों का ध्यान भी रखना है, जिसके तहत ये जो शिक्षक प्रकोष्ठ है बीजेपी का वो पूरे मध्य प्रदेश में जो अभियान है वृक्षारोपण का वो अब शुरू करने जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत होगी, पूरे मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण जो अभियान है वो चलाया जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम भी पौधारोपण को लेकर लगातार लोगों को प्रेरित करते हैं और खुद रोज एक पौधा भी लगाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर लौटेंगे। तो शिक्षक प्रकोष्ठ का अभियान आज से शुरू होने जा रहा है, जो कि पूरे प्रदेश भर में चलेगा।